म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ, पोर्टफोलियो का डिजाइन कैसा होना चाहिए, एलोकेशन कैसा होना चाहिए, इट मीन्स कि किस म्यूचुअल फंड में हम कितना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फिनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो का क्या विश्लेषण होगा। लगातार मैं आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड रखता हूँ जो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी आपके सामने रखता हूँ जिनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे कमजोर दिखता है। जैसे मेरी जिम्मेदारी है कि आपके सामने बेहतर म्यूचुअल फंड लेके आऊँ, वैसे ही मेरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड आपके सामने रखूं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। और देखो, अगर कोई म्यूचुअल फंड लगातार कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा, बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर रहा है और इन्वेस्टर को यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वैसे म्यूचुअल फंड पे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। इससे आपको नुकसान होगा, चाहे वो 2% का हो, 5% का हो, एनुअल बेसिस पे अगर 1 से 2% का भी नुकसान हुआ तो लंबे समय में वो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। जो आज मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड रखूंगा, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से फंड रखूंगा, कुछ ऐसे फंड जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से देखें तो यहाँ पे मैंने 22 फंड का एनालिसिस किया है और इस 22 फंड में से यहाँ पे कुछ एक फंड है जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। पैरामीटर क्या है, किस पॉइंट के बेसिस पे मैं आपके सामने ये म्यूचुअल फंड रखने वाला हूँ, मैं बता दूँ, वैसे म्यूचुअल फंड को मैंने यहाँ पे कवर किया है जिसका कम से कम 5 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका हो। दूसरा, वैसे म्यूचुअल फंड जिसके रिटर्न में काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिल रहा हो, वैसा म्यूचुअल फंड जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफ़ी कमज़ोर है, वैसे म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ जो बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट नहीं कर रहा हो, इन सारे पैरामीटर के बेसिस पे मैं आपके सामने कुछ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड रखने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फर्स्ट फंड मैं रखने वाला हूँ वो निपोन इंडिया विजन डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। अगर इस फंड की बात करें तो पहले हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं। पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 1.76% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज को ये तो बीट कर रहा है 1.35%, लेकिन बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर रहा। ऑन द एवरेज अगर रैंक विद इन कैटेगरी देखें तो 7वें नंबर पे है आउट ऑफ 20। मैं 3 साल की बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने 13.63% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज में 16.36% का रिटर्न है, 3% कम कैटेगरी एवरेज से, बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट नहीं कर रहा है और अगर रैंक विद इन कैटेगरी की बात करें तो 16वें नंबर पे है आउट ऑफ 19। अगर मैं 5 साल का डाटा रखूं तो यहाँ पे 7.48% का रिटर्न दिख रहा है, कैटेगरी एवरेज में 11.05% का रिटर्न दिख रहा है, यहाँ भी 2.5 से 3% कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दिख रहा है। रैंक विद इन कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे 17वें नंबर पे है आउट ऑफ 18। कुल मिला के ना ही ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा और ना ही बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है। देखो, अगर 2.5 से 3% कैटेगरी एवरेज से भी नीचे यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है, अगर मान लो कैटेगरी एवरेज से ऊपर हो, 2.5 से 3% सालाना अगर आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिले तो कंपाउंडिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देगा। एग्जैक्टली, वहीं पे शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो पिछले 1 महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 3% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज में 4.05% का रिटर्न है। रैंक विद इन कैटेगरी की बात करें 19वें नंबर पे है आउट ऑफ 22। वहीं पे 3 महीने की बात करूं तो नेगेटिव 7.05% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 6.64% का नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है। रैंक की बात करें तो 13वें नंबर पे है आउट ऑफ 22। वहीं पे अगर 6 महीने में देखें तो 11.69% का नेगेटिव रिटर्न है और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज में 12.06% का रिटर्न है। 12वें नंबर पे है यहाँ पे आउट ऑफ 21।
कुल मिला के लंबे समय की बात करूं या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करूं, कुछ पॉजिटिव यहां पे डाटा नहीं देखने को मिल रहा है। इस फंड का कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूं, देखो अगर मैं प्रोस और कॉन्स की बात करूं तो ये म्यूचुअल फंड एफडी के रिटर्न को बीट कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसके नेगेटिव पॉइंट को आपके सामने रखूँ तो ये म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। दूसरा पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं तो ये लगातार अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पा रहा है और ना ही कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। तीसरा पॉइंट अगर मैं रखूं तो वाकई में डाउनसाइड रिस्क सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, इट मीन्स कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करूं तो कमजोर देखने को मिल रहा है। चलिए अगले म्यूचुअल फंड की बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड की बात करूंगा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से। ये भी फंड काफ़ी बड़ा है, अगर एयूएम देखोगे तो यहाँ भी काफ़ी बड़ा एयूएम है। कुल मिला के अगर एक साल का डाटा देखें तो 8.58% का नेगेटिव रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 1.35% का पॉजिटिव रिटर्न है। यहाँ नेगेटिव वो भी 8% के ऊपर एग्जैक्टली, और रैंक विद इन कैटेगरी की बात करूँ तो 20वें नंबर पे है आउट ऑफ 20। यहाँ पे अगर 3 साल के डाटा को देखें तो 12.81% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 16.36% का रिटर्न है, रैंक विद इन कैटेगरी की बात करूँ तो 18वें नंबर पे है आउट ऑफ 19। अगर 5 साल के डाटा को देखें तो 7.63% का रिटर्न दिख रहा है, कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 11.05% का रिटर्न है, रैंक विद इन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 16वें नंबर पे है आउट ऑफ 18। कुल मिला के अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करूँ तो यहाँ 6 महीने में 23 से 24% का गिरावट देखने को मिला है, जबकि कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 12% का गिरावट है। आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है, यहाँ पे डबल का डिफरेंस है। अगर रैंक विद इन कैटेगरी की बात करूँ तो 21वें नंबर पे है आउट ऑफ 21। वहीं पे अगर मैं 3 महीने की बात करूँ तो 13% का नेगेटिव रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 6 से 7% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 महीने की बात करूँ तो 3.7% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 4.05% का रिटर्न है। बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को भी बीट नहीं कर रहा और ना ही कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा पॉइंट आपके सामने रखूं तो देखो, जब मार्केट में तेजी होता है तो एग्जैक्टली ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट किया है। एग्जैक्टली एफडी की बात करूं तो एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न 3 और 5 साल में देखने को मिला है, लेकिन अगर देखें रिटर्न की बात करें कंसिस्टेंसी में काफ़ी पुअर है, बेंचमार्क के परफॉर्मेंस से कंपेयर करें तो भी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है और वोलेटाइल ज़्यादा है इस कैटेगरी में। इस म्यूचुअल फंड में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिल रहा है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी कमज़ोर है, तो कुल मिला के ये म्यूचुअल फंड भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। चलिए अगले म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जो लास्ट जो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से जो मैंने रखा है L&T लार्ज एंड मिड कैप फंड है। पिछले एक साल में 0.55% का नेगेटिव रिटर्न है और 1.35% का पॉजिटिव रिटर्न कैटेगरी एवरेज में देखने को मिल रहा है। रैंक की बात करें तो 15वां रैंक है आउट ऑफ 20। कुल मिला के 3 साल का डाटा और 5 साल का डाटा भी देखें तो ये म्यूचुअल फंड ना ही अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है और ना ही अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर पा रहा है। रैंक विद इन कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे 18 और 19 रैंक है आउट ऑफ 18 और 19। शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करूं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट नहीं किया है और जहां कैटेगरी एवरेज में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है उस ड्यूरेशन में इस म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है। देखो गिरावट है, ठीक है, कैटेगरी एवरेज में भी नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन कैटेगरी एवरेज में अगर आप 6% 7% का नेगेटिव रिटर्न है, आपका फंड 12% 15% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, ये आपके पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। वाकई में अगर कुछ पॉइंट आपके सामने रखूं L&T लार्ज एंड मिड कैप का, सिर्फ 3 और 5 साल में एफडी के रिटर्न को बीट कर रहा है। 3 पॉइंट जो काफ़ी नेगेटिव दिख रहा है, एक तो रिटर्न में कंसिस्टेंसी नहीं है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफ़ी कमज़ोर है और बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को ये लगातार बीट नहीं कर पा रहा है और ना ही कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर पा रहा है। ये 3 फंड है जो काफ़ी कमज़ोर है, निपोन इंडिया विजन डायरेक्ट ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, L&T लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। अब इन्वेस्टर का क्या मानना है कि क्या हम ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े रहें अगर ऑलरेडी SIP चल रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आपका SIP चल रहा है तो आप यहाँ पे SIP स्टॉप कर सकते हो और दूसरे इसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में कोई अच्छा फंड सेलेक्ट करके और उसमें आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो।
जो इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको आप ज्यों का त्यों रहने दें, जब एग्जिट लोड खत्म हो जाए तो यहाँ से पैसा निकाल के एग्जैक्टली धीरे धीरे आप वो ऐसे म्यूचुअल फंड में पार्क कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर अब ऐसे म्यूचुअल फंड को कंसीडर करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली मैं बोलूंगा कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले फंड है, दूसरे म्यूचुअल फंड को कंसीडर करें। करेंटली जो अभी सिचुएशन है, पिछले 5 साल का अगर हिस्टोरिकल डाटा देखें, वाकई में यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ देखने को नहीं मिल रहा है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।